हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक रिव्यू देने वाला हूं। कल भी मैंने आपको सिकंदराबाद का रिव्यू दिया था और आज की वीडियो में मैं आपको गुवाहाटी का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाला हूँ। गाइज, पूरा कंप्लीट हम रिव्यू जानेंगे। भाई ने सभी चीज़ें शेयर की है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। यदि आप भी अपना जो रिव्यू है गाइज वो शेयर कर सकते हैं मुझे, आप में से किसी का भी हुआ हो तो उसका मैंने आपको, मेरे जो मोबाइल नंबर है वो, व्हाट्सएप नंबर है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं और आप वैसे भी नोट कर सकते हैं। मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9460558147, ठीक है। इन पर आप मुझे अपना जो रिव्यू है गाइस जो शेयर कर सकते हैं। और बहुत सारे दो तीन कैंडिडेट ने और किया है तो वो भी मैं आप वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जी हाँ गाइज, GD के टॉपिक के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या टॉपिक पूछे जा रहे हैं। और SRT बिल्कुल ऐसी पूछी जा रही है जैसे हमने आपको बुक के अंदर प्रोवाइड की थी। इन भैया ने बुक परचेज की थी, काफ़ी इनको हेल्प मिली उससे। GD के टॉपिक, एक दो टॉपिक नए आ रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था आपसे कि 8 से 10 टॉपिक हर साल नए बनते हैं, बाकी वही टॉपिक हैं जो अपने बुक के अंदर दिए हुए हैं। तो चले गाइज, स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं हाय भैया, सेलेक्टेड इन फेज 2। तो टोटल रिपोर्टिंग वाज 308, यानी कि 308 कैंडिडेट की यहां पर गुवाहाटी 11SC के अंदर रिपोर्टिंग थी। आगे बात करें तो रिपोर्टिंग टाइम वाज 5:30, यानी कि 5:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, बट एंट्री स्टार्ट 5। मैंने देखिए आपको पहले ही बताया था कि 5:30 से तो वहां पर होती है, लेकिन वो पहले से स्टार्ट कर देते हैं 5:15 से, ठीक है। DV हुआ पहले सभी का, उसके बाद 150-149 कैंडिडेट के 2 बैच बनाए गए। वो लोग अपनी बस में बिठाकर एयरबेस ले गए, वहाँ पर 2 किलोमीटर दूर था, जो कि सभी को आराम से पूरा टाइमिंग मिला, ट्रैक भी अच्छा था। दोनों का बैच 47 के आसपास बच्चे आउट हुए और PFT 2 में 13 ओवरऑल। तो देख सकते हैं कि आप पुशअप और इसके अंदर भी आउट हुए हैं और 47 कैंडिडेट यहाँ पर रनिंग में आउट हो गए दोनों बैच के अंदर, ठीक है। तो 300 में से ये टोटल मिलाकर हम माने तो ये कैंडिडेट आपके कितने आउट हो जाते हैं गाइस, 240 कैंडिडेट यहाँ पर बच जाते हैं। अब इनका चलता है आपका SRT। आगे क्या बोल रहे हैं दोनों, मतलब इस बार 81 एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में इंग्लिश का 20 क्वेश्चन आया था और उसके बाद 45 क्वेश्चन SRT का, टोटल टाइमिंग 45 मिनट, यानी कि पहले हमें 30 मिनट का टाइम दिया जाता था जिसमें 45 क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते थे, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि यहाँ पर 20 क्वेश्चन का एक अलग से इंग्लिश का टेस्ट जैसा आपने दिया था वो हम डिस्कस करेंगे आज, नेक्स्ट वीडियो आपको बनाऊंगा उसके ऊपर ही। तो वहाँ पर देखिए टाइमिंग 45 मिनट, इसमें सिर्फ 7 बच्चे आउट हुए, तो पेपर बहुत ज़्यादा इजी है इंग्लिश का। बट वो ये चीज़ चेक कर रहे हैं कि आपने जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया वह क्या सही मोड में क्वालिफाई किया है। सो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा बहुत अच्छा एक्शन ये लिया गया है, सैल्यूट करता हूँ इंडियन एयरफोर्स को इस एक्शन के द्वारा, ठीक है भाई। फिर 18-18 के ग्रुप बनाए GD के लिए। मुझे टॉपिक मिला स्पोर्ट्स लीग इन इंडिया, मतलब कि स्पोर्ट के बारे में इनका जो टॉपिक था गाइस वो इनको मिला है। कोई ग्रुप में मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन पुराना टॉपिक है। सेक्सुअल हेरासमेंट पुराना टॉपिक है। रोड सेफ्टी पुराना टॉपिक है। ये तीनों टॉपिक आपको अपनी बुक के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। और ये टॉपिक मैंने आपको जब टॉपिक्स की वीडियो बनाई थी तो उसमें बताया था कि स्पोर्ट्स से संबंधित भी कुछ पूछा जा सकता है, हालांकि अपनी बुक में नहीं है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पुराना टॉपिक है और ये कभी पूछा जाता है कभी नहीं पूछा जाता, तो इसीलिए मैंने इसको ऐड नहीं किया था। बाकी ये तीनों टॉपिक आपको अपनी बुक के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। सेक्सुअल हेरासमेंट भी है, रोड सेफ्टी भी है और मोबाइल फ़ोन भी है। ऑलमोस्ट टॉपिक आपको अपनी बुक से मिलेंगे, तो परचेज नहीं किया तो गाइज परचेज कर सकते हैं, बहुत आपको हेल्प मिलेगी उससे। भैया GD में बहुत बच्चे आउट हुए थे, लास्ट में 135 बच्चे बचे थे। तो आप देख सकते हैं कि 308 कैंडिडेट में से 135। तो यार यदि इसी तरह का आपका रेशो है जो वो रहता है, ऐसा रेशो रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है यार कट ऑफ तो कम जाएगी। जिस तरह से आपका 02/2020 जो इंटेक था, 01/2020 हमारा वाला, यदि ये भी ऐसा ही चला तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें भी कट ऑफ कम ही रहेगा और मेडिकल के ऊपर डिपेंड करेगा। भैया आई एम वेरी थैंकफुल टू योर मोटिवेशन विच हेल्प्ड माई क्वालिफाइंग फेज 2। तो इनका फेज 2 से 4-5 दिन पहले मेरे पास कॉल आया था, तो भैया से मैंने बात की, इनको जो भी डाउट थे वो क्लियर किए। आप भी अपने जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं गाइज, आपके लिए स्पेशल मैंने अपने जो मोबाइल नंबर है उनको चालू कर लिया है। GD SRT फेज 2 से रिगार्डिंग कोई किसी भी कैंडिडेट को कैसी भी प्रॉब्लम हो, कॉन्टेक्ट मी,
ये आपको मेरे नंबर हैं 9460558147 पे 9465551 47। मुझे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और कोई भी आपका जो डाउट हो वो क्लियर कर सकते हैं गाइस, ठीक है भैया। आई एम वेरी थैंकफुल टू योर मोटिवेशन विच इज हेल्प्ड। अच्छा, जीडी में 7 से 8 बंदे बाहर हो रहे थे, मतलब एक ग्रुप के अंदर। ये इन्होंने अपना जो रिपोर्टिंग कार्ड है वो भी इन्होंने शेयर किया है, तो इसे मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। मैंने इनसे पूछा कि 12th के एडमिट कार्ड के बारे में क्या कहना है आपका, 12th के एडमिट कार्ड का क्या मतलब कहना है। तो कोई ज़रूरत नहीं है, नॉट नेसेसरी इफ यू हैव कैन सबमिट। यदि आपके पास है तो आप सबमिट करा सकते हैं। भाई ने SRT के क्वेश्चन शेयर किए हैं और मैं आपको बता रहा हूँ कि अपनी बुक के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन 100% मिलेंगे, 101%। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, देखिएगा, ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगा। पहला क्वेश्चन था, यदि आप अपने फ्रेंड से किसी बात पर झगड़ा कर लेते हो तो क्या करोगे। तो भाई देखिए, उससे आपका किसी बात पर झगड़ा हो जाता है तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि उसके साथ आप क्या करोगे, कन्विंस करोगे या फिर आप उसको उसकी गलती बताने की कोशिश करोगे, या फिर अपनी गलती है तो आप उसे रियलाइज़ करोगे कि यार हाँ मेरे से ये गलती हुई थी तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, या आपसे ये गलती हुई थी, आपने ये मिस्टेक की थी, उसकी वजह से अपना झगड़ा हुआ है, तो उस गलती को हमें दूर करना होगा, ठीक है। आप जम्मू में तैनात हैं और वहाँ की क्राउड आप पर पत्थरबाजी करने लगे। गाइज, ऐसे 3 क्वेश्चन अपने बुक में बैक टू बैक हैं, मतलब कि 3 क्वेश्चन में सिचुएशन अलग अलग है। एक में पत्थरबाजी हो रही है, एक में लोग आपके साथ पीट पाट कर रहे हैं, या एक में कुछ और कर रहे हैं। 3 ऐसे क्वेश्चन हैं, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और वो तीनों मैंने अपनी बुक के अंदर डाले। मेरी बुक है ना, उसके आपको ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। 1-2 क्वेश्चन हैं ऐसे, बाकी ऑलमोस्ट क्वेश्चन है ना, 150 क्वेश्चन, बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आप पहले से ही बहुत वर्क में बिजी है बट आपको ओवर वर्क मिला है, आप क्या करेंगे। देखिए, मैं मानता हूँ ये कोई वाला क्वेश्चन नहीं था, बट ऐसा क्वेश्चन था कि आपके 2 बॉस हैं और आपको दोनों अलग अलग काम बता रहे हैं, तो इन दोनों का, इसका इसका भी और उसका भी, दोनों का आंसर एक ही होगा, एक्सप्लेनेशन भी इनकी एक ही होगी। मतलब इसमें आपको ओवरवर्क मिल रहा है और उसमें क्या हो रहा है कि बॉस आपको अलग से काम दे रहा है, 2 बॉस हैं अलग अलग से आपको काम दे रहे हैं, दोनों के अंदर बिल्कुल सेम सिचुएशन होगी आंसर के। आप सिनेमा देख रहे हैं, बगल की सीट पर आग लग जाते, तो आग वाले क्वेश्चन भी मैंने उस बुक में डाले हैं। आपको 2-3 लोग घेर के अपना मोबाइल छीने तो आप क्या क्या करोगे। देखिए, एक मैंने अपनी कम्युनिटी टैब के अंदर एक दिन एक क्वेश्चन शेयर किया था, ये क्वेश्चन नहीं था। देखिए, क्वेश्चन सेम नहीं होते बट उनकी जो एक्सप्लेनेशन है, यदि वो आपको सेम मिल जाती है तो आप उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, मैंने उसमें कहा था कि एक व्यक्ति है, वो 10-12 लोग उसको पीट रहे हैं, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे। तो भाई वो 10-12 लोग है तो आपको बचाना नहीं है, उस कंडीशन में भी आप भी होंगे ना तो आपको भी उनसे लड़ना नहीं है, क्योंकि आप लड़ नहीं सकते, चाहकर भी आप नहीं लड़ सकते, ठीक है। एंड मैनी मोर रीजनिंग क्वेश्चन वर अबाउट 8 and 9, ऑल वर इजी, सभी क्वेश्चन इजी थे। GD में एक्सपेक्ट से ज़्यादा बच्चे आउट हुए, आई काउंट टिल 59 एंड मैनी मोर। तो इंग्लिश के पेपर के बारे में भी इन्होंने कंप्लीट बताया था, वो मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा गाइज, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 के ऊपर, सॉरी 1 के ऊपर, कि कैसा अडेप्टेबिलिटी टेस्ट बना रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे, सभी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। सो यदि आपको मेरी बुक अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो यू कैन परचेज नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। करना क्या है आपको कि जाना है, उस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, देखिए गाइस, यहाँ पर आपको एक लिंक दी हुई है। जैसे मान लीजिए ये लिंक है मेरे पास, मुझे पूरी बुक खरीदनी है XYZD के लिए, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस लिंक पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से जो पेज है वो ओपन होकर आएगा, थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा, ये पेज आता है। तो ये आपके पास GD एंड XY की पूरी बुक है, आपको इस पर क्लिक करना है बाय नाउ पर। जैसे आप इस बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सामने कुछ ऑप्शन आएगा, और जो अपना प्रोडक्ट है आप उसमें भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें शेयर किए, ये अपने SRT के क्वेश्चन हैं। देखिए, वह सेना अधिकारी है कश्मीर में तैनात। देखिए, यहाँ पर तो सैंपल के तौर पर ही आपको वो क्वेश्चन मिल गया जो मैंने आपको, जो आया था ना, वो बिल्कुल एज इट इज अपने सैंपल जो मैंने आपको दे रखे उन्हीं में आपको ये क्वेश्चन मिल गया है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने और भी कई फ़ोटो शेयर किए हैं, देखिए ये सभी फ़ोटो मैंने शेयर कर रखे हैं SRT के लिए, GD के लिए, सभी चीज़ें फ़ोटो यहाँ पर, देखिए GD टॉपिक हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस।
तो यहाँ पर आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और आपसे यहाँ पर जो चीज़ें मांगा है वो आपको फिल कर देनी है, देन आप इसे परचेज कर सकते हो। पीडीएफ के रूप में आपको ये डाउनलोड हो जाएगी गाइज, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस बुक को डाउनलोड करना है। और एसआरटी की अलग से है, जीडी टॉपिक्स की अलग, यदि आप इंटरेस्टेड है जीडी टॉपिक अलग से खरीदना चाहते हैं तो अलग से भी आप खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको 39 रुपये पे करने होंगे, लिंक उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये वीडियो जो बना रहा हूँ इसके डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे एक एरो का सा निशान है, उस पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से क्लिक आपको कर देना है। गाइज मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।